आप सभी का आर्ट एंड बैचेज में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और कोर्सेज मिलते रहें। वन डे एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को यहाँ पर ये ढेर सारे कोर्सेज मिलेंगे, साथ ही आपको एग्ज़ाम अपडेट और एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नितिन जायसवाल एनजे सर सर्च करना होगा और आपको वहाँ पर मेरी प्रोफाइल मिलेगी। सभी वीडियो कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पर जाकर के आप FB ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। 27 जुलाई को आज आपका FCI फेज़ 2 का पेपर 1 था, कॉमन पेपर था सभी के लिए। तो इसमें मैंने पेपर जो दिया है आपको, पूरा एनालिसिस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और जो जो क्वेश्चन आए हुए थे जो भी मुझे याद हैं वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस बात से कि पेपर में क्या क्या आया था। तो आपको बता दूँ कि 30-30 नंबर की रीजनिंग और GA आई थी, GA और करंट अफेयर्स मिला के, जिसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा गया था, GA बहुत कम था। पूरे के पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रखे गए थे, और बाकी 20 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर की कंप्यूटर, 20 नंबर की मैथमेटिक्स, ये सब पूछी गई थी। तो आपको स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन थे, जिनमें कुछ क्वेश्चन मुझे याद हैं। तो उनमें एक पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्न में से कौन सी लैंग्वेज निम्न स्तरीय है। तो मशीन लैंग्वेज थी, जो हाई लेवल की नहीं थी, लो लेवल लैंग्वेज थी। दूसरा पूछा गया था कि पावर पॉइंट में Ctrl+M से कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, इसका क्या यूज होता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लैन में कौन सा चीज़ यूज होता है। तो ऑप्शन में HTML थे, IP एड्रेस थे, ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे। इसके बाद निम्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, आउटपुट कौन सा, आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो उसमें जॉयस्टिक आंसर आया था। एक क्वेश्चन आया था जिसमें बाइनरी नंबर दिया गया था, उसको डेसिमल में चेंज करना था। और एक पूछा गया था क्वेश्चन कि हेक्सा डेसिमल में से निम्न में से कौन सा अल्फ़ाबेट नहीं आता है। तो हेक्सा डेसिमल में F तक आता है, तो ऑप्शन में G दिया गया था, तो G नहीं है। लेयर्स OSI मॉडल में कितनी होती हैं। तो इस तरह के नॉर्मल से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आप 16 या 17 आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे। इसमें जो गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे कि गुड अटेम्प्ट हैं, वो 15 से ऊपर, और वो भी सही सही, ये सभी ने कर ही लिए होंगे जिन लोगों ने पढ़ाई की है। इसके बाद हम आ जाते हैं GA के पार्ट में। सिलेबस में लिखा था GA+ करंट अफेयर्स करके लिखा हुआ था। तो करंट अफेयर्स में सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रहे हैं। GA के क्वेश्चन बहुत कम ही थे, शायद एक भी नहीं था, और जितने भी क्वेश्चन याद हैं सारे के सारे करंट से हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें पहला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, पूछा गया है कि भारत कब चीन से जनसंख्या के मामले में किस स्तर तक आगे हो जाएगा, एक रिपोर्ट अपने यहाँ आई थी। इसके बाद भारतीय महिला हॉकी कप्तान का नाम पूछा गया था, रानी रामपाल नाम है इनका। 2019 में पद्म भूषण निम्न में से किसे दिया गया है, महेंद्र सिंह धोनी ऑप्शन टिक था इसमें। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, और बाबा रामदेव की जो किताब है माई लाइफ माई मिशन, उनके सह लेखक कौन से हैं या उनके को राइटर कौन है, उनके साथ लिखे गए हैं। तो उनमें चार पत्रकार के नाम थे, एक पता नहीं किसका नाम था, वो नहीं याद आ रहा था। पत्रकारों में रवीश कुमार, सुधीर चौधरी, राजदीप सरदेसाई और एक और कोई था, तो इसको मैंने छोड़ दिया था, मुझे ये नहीं मालूम था। और एक नाम था बालकृष्ण आचार्य का, जो पतंजलि के फाउंडर हैं, उनका नाम भी था उसमें। तो बहुत लोगों ने बालकृष्ण आचार्य को टिक किया हुआ है। और एक कोई सूचकांक पूछा गया था, वो मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है कौन सा सूचकांक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस साल जो वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, उसमें निम्न में से कौन सी दो टीम क्वालिफाई होकर के आई हैं। तो इसमें एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऑप्शन था, एक अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज ऑप्शन था। तो अफगानिस्तान तो क्वालिफाई होकर के ही आई है, तो इसमें वेस्ट इंडीज भी क्वालिफाई होकर आई थी। और जैसा आप सभी को मालूम है, रग्बी महिला टीम भारतीय ने हराया है, तो इसमें पूछा गया था किसको हराया है। तो ऑप्शन में जापान नहीं था, मलेशिया था, सिंगापुर था, तो इसमें मलेशिया मैंने टिक किया हुआ है। अब देखते हैं उसका आंसर क्या होता है। अजीत डोवाल के बारे में पूछा गया था कि निम्न में से किसे फिर से जो है सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, और वो भी कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ ही, इतना क्वेश्चन दिया गया था। तो अजीत डोवाल उसमें नाम ऑप्शन में था, तो वही सही आंसर होगा। इसके बाद एक पुस्तक का नाम दिया गया था, पुस्तक का नाम कुछ ऐसा था कि जिसमें स्पीच को कलेक्ट किया गया है, और ये पुस्तक प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। तो पूछा गया था कि इसमें किनके स्पीचेस को कलेक्ट किया गया है,
इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन यही दो ऑप्शन बार बार टिक हो रहे थे, मैंने इस पे जवाहरलाल नेहरू टिक किया है। तो ये कुछ जो कुछ क्वेश्चन मुझे याद थे जीए के, वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं। इसके बाद आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के पेपर में सेक्शन था रीजनिंग का। 30 क्वेश्चन थे, 30 के 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, जिनमें से पजल्स खूब पूछी गई हैं। और इन पजल्स में पहली पजल जो पूछी गई थी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की, उसमें कार्टून के नाम दिए गए थे ए बी सी डी करके, कि ए बी सी डी हैं ये लोग कार्टून पसंद करते हैं, और कार्टून के नाम वही दिए गए थे, स्कूबी डू दिया गया था, चिपमुनक दिया गया था, ये सब दिए गए थे। तो वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट था, क्वेश्चन दो वेरिएबल का था, आराम से ये हल हो गया था। और एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं दिए रहते हैं कि कितने मेंबर हैं जो इस लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में हैं, और सभी को नॉर्थ पोजीशन फेस करके बैठाया गया था। तो ये जो बनाया गया, इसमें बताया गया कि कोई किसी के पी और किसी के बीच में 6 लोग बैठे हैं, फिर 3 लोग बैठे हैं, इस तरह करके था। और इसमें एक वेरिएबल भी दिया गया था, उनमें सिटी का नाम दिया गया था, शिमला दिया गया था, देहरादून दिया था, ये सब दिया था। तो ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है सॉल्व होने के बाद टोटल 21 मेंबर्स आए थे इस सिटिंग अरेंजमेंट में, इसमें यही, और इसमें दो पॉसिबिलिटी जनरेट हुई थी। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। एक क्वेश्चन इसमें फ्लोर बेस पजल का था, और उस फ्लोर बेस पजल में फ्लैट में डिवाइड कर दिया गया था, 4 फ्लोर थे, उनमें दो दो फ्लैट थे जिनका नाम एम और एन दे दिया गया था, और इन दो फ्लैट में ए बी सी डी ई एफ जी ये आपके 8 लोग बैठने थे, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिटी से अटैच थे। तो इन नामों के साथ आपको सिटी भी उसमें रखना था। इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनी थी और एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया था, इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई हैं। और एक क्वेश्चन मिक्स पजल से था, उसमें लोगों के डेट ऑफ बर्थ दिए गए थे, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एज काउंट करके उस पजल को सॉल्व करना था, और उनके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ सिटी भी दी गई थी। तो इस पजल को स्टार्ट करने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाद में करते समय बीच में कहीं कुछ मिस्टेक हो गई, तो मैंने इस पजल को फिर छोड़ दिया था। हालांकि इस पजल ने मेरा 5 से 6 मिनट का टाइम खाया, जिसका खामियाजा मैंने मैथ में आके भुगता। इसके बाद एक रैंकिंग आई थी, हाइट के अकॉर्डिंग थी, रैंकिंग का क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन थे, आया था एक रेसलिंग करके लिखा था वर्ड, उसको अरेंज करने के लिए कहा गया था अल्फाबेटिकली, और उनके वॉवेल्स को पीछे वाले वॉवेल से रिप्लेस करना था, कॉन्सोनेंट्स को आगे वाले कॉन्सोनेंट से रिप्लेस करना था। इसके बाद उसमें पूछा गया था कितने ऐसे अल्फ़ाबेट मिलेंगे जो दो बार आए हुए हैं, तो उसमें ओ जो है दो बार बन जा रहा था। तो इस तरह के नॉर्मल से क्वेश्चन थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो सिलॉगिज्म पूछे गए थे, ये कम से कम 7 पूछे गए थे, और बहुत ही अच्छे सिलॉग पूछे गए थे। इसमें सिलॉग पूछने का जो तरीका था नया था, जैसे सिलॉग का नया पैटर्न था इसमें, ये कह सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे, जैसे केवल कुछ कुर्सी ही मेज हैं, ऐसे करके दिया हुआ था, केवल ए बी है, केवल फल वृक्ष हैं, इस तरह करके क्वेश्चंस थे। तो जो केवल सब था, ओनली वर्ड था, ये स्पेशल टाइप का सिलॉग जनरेट करता है, तो इसमें काफ़ी संभावना है लोगों ने गलत किया होगा, और जिन लोगों ने अच्छी सी प्रैक्टिस की होगी उनके ज़रूर सॉल्व हुए होंगे। तो रीजनिंग का सेक्शन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, सबसे ज़्यादा टाइम इसने लिया, 30 क्वेश्चन को करने में 45 मिनट से भी ज़्यादा समय लगे। इसके बाद आपका सेक्शन है अंतिम नहीं है, अभी इंग्लिश का भी बाकी है, मैथ। क्वांट के सेक्शन में 2 DI आई हुई थी, और जो दोनों DI थी, एक DI पाई चार्ट की थी, तो वो इजी थी, वो सॉल्व करने लायक थी। दूसरी DI जो थी वो आपकी टेबुलेशन फॉर्म में थी, टेबुलेशन फॉर्म में पहला डाटा दिया गया था, उसके साथ है उसका एक एंटी डाटा परसेंट में करके दिया गया था, तो इस तरह से वो DI थी, और थोड़ा सा टफ थी। उसके बाद एक तीसरा कॉलम भी था, उसमें भी कुछ डाटा था, तो ये पजल नहीं समझ में आई, इसको छोड़ा गया, काफ़ी लोगों ने छोड़ा, इससे सॉल्व नहीं किसी ने किया, जबकि पाई चार्ट को सभी ने सॉल्व किया। तो और इसमें सीरीज वगैरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे गए, ना रीजनिंग में ना क्वांट में, और क्वांट में टाइम स्पीड से क्वेश्चन आए, और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए, मतलब कि मिसलेनियस से काफ़ी क्वेश्चंस थे इसमें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, और ज्योमेट्री से भी एक दो क्वेश्चंस थे। इसके बाद इंग्लिश सेक्शन में आपको बताना चाहूँगा, एडियम्स पूछा गया, कॉमन एरर्स पूछे गए, एक RC पूछा गया, RC आसान था, बहुत टफ नहीं था। इसी तरह आपसे PQRS पूछा गया था, जिसमें नया पैटर्न बनाया गया कि इसमें एक जो है सेंटेंस था उसको फिक्स करके चौथा नंबर दे दिया गया है, और उसके ऊपर 3
आपको फिट करने थे, उसके नीचे दो फिट करने थे। और ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड PQRS था जिसमें साल्ट यूज करके फसल को ख़राबी होती है, तो ऐसा इसमें PQRS आया हुआ था। तो ये आपका पूरा जो मुझे याद है सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस, इसका मैंने आपको यहाँ पर रिव्यू दिया हुआ है। और अपने अटेम्प्ट्स बताना चाहूँगा आपको कि मैंने टोटल 85 अटेम्प्ट्स किए हुए हैं। रीजनिंग में 21 ही कर पाया हूँ और इंग्लिश 19 किया हूँ। कंप्यूटर में 15 अटेम्प्ट हैं मेरे और GA में 21 अटेम्प्ट हैं। और मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ 9 अटेम्प्ट्स हैं। मैथ्स करने के टाइम मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे और मैथ्स भी लेंदी थे, इसके भी क्वेश्चन कैलकुलेटिव आए थे और बहुत बढ़िया पेपर था। तो एक्सपेक्टेशंस यही है कि इसका जो कट ऑफ बनना है वो 65 के आसपास बनना चाहिए। जनरल का कट ऑफ 65 नंबर के आसपास इसका बन सकता है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का, जनरल का, इन सभी का। और जो JEE वाले बच्चे हैं उनका जो पेपर वन है उनका कट ऑफ अलग बनेगा। ये असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल और डिपो वालों के लिए मैंने एक एनालिसिस यहाँ दिया हुआ कि 65 के आसपास आपकी कट ऑफ जनरेट हो सकती है या सिलेक्शन की कट ऑफ जनरेट हो सकती है। तो दोस्तों ये आज का एनालिसिस रहा है। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं कर लें। आगे आने वाले समय में मैं GS के ढेर सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल करने वाला हूँ और मैथ्स के लेक्चर्स यहाँ पर जल्दी ही ऑनलाइन मैं पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण कोर्सों से जुड़े रहने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर ढेर सारे कोर्सेज हैं और अपने मनपसंद कोर्स को चुन सकते हैं।